हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रगेश गुप्ता। आज आप देख रहे हैं पीजी क्लाउड। तो दोस्तों, अब शाओमी एकदम कमाल कर दे, क्या कहूँ, कमाल धमाल सब कुछ लेके आ गया है। वो मिड रेंज मार्केट के अंदर घुसने के लिए वो 10 से 20,000 के बीच में तो शाओमी था ही था, लेकिन वो 20 से 30,000 वाली जो रेंज है उस पर कुछ काबू करना चाहता है। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, उस 20 से 30,000 वाली रेंज में हमारे सामने हवाई के फोन आ जाते हैं और ये हमारा असूस आ जाता है, वन प्लस जैसे फोन बैठा था, लेकिन शाओमी के फोन इतने नहीं बिक पाते 20 से 30 में। तो वो अपनी एक नई सीरीज लेके आ गए। मैं इस फोन को सीरीज ही कहूंगा, फोन नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है और ऐसा ही कहा जा रहा है कि शाओमी इसी सीरीज में और अच्छे अच्छे फोन लाएगा। तो दोस्तों बस अब ज्यादा इस बात को नहीं हुआते हैं, आप टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि क्या बात होने वाली है। तो आज जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शाओमी के पोको फोन F1 के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ, इसकी स्पेशलाइजेशन का रिव्यू दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना किसी देर के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। शाओमी ने अपने एक और न्यू स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम रखा गया है शाओमी पोको फोन F1। तो दोस्तों ये जो पोको है, इसका मतलब होता है छोटा, जहां तक मुझे पता है, बाकी तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कुछ गलत हो तो। तो दोस्तों मुझे तो यही उम्मीद है और कहा भी यही जा रहा है कि इस सीरीज में और फोन निकाले शाओमी, देखते बताने टाइम और शाओमी ही बता पाएगा। तो दोस्तों ये जो फोन हमारे सामने है, मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ। दोस्तों अगर इस फोन का पीछे से देख पा रहे होंगे तो इसमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल है, सेकेंडरी कैमरा 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आता है, ताकि फोटोज बहुत ही ज्यादा ब्राइट और बढ़िया आएंगी। इस साइड में आपको डुअल LED फ्लैश देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक उसी के नीचे आपको पोको लिखा हुआ दिखा मिल जाएगा। और नीचे अगर आप एकदम लोअर उसमें देख पाएंगे तो छोटा सा बाय शाओमी भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि है तो दोस्तों शाओमी का ही। दोस्तों फ्रंट से देखेंगे तो आपको इसमें 6.18 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ कवर्ड है। बस वही है कि शाओमी है तो उसने बताया नहीं कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास कौन सा, लेकिन मुझे लगता है इसके अंदर शायद 3 होगा, बाकी आप देख लेना। और दोस्तों इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, ऊपर की तरफ को नॉच देखने को मिल जाएगी, नीचे से इसमें आपको एक USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर सी पोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि काफी एक अच्छी बात है। साथ में नीचे स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी और ऊपर की तरफ आपको इसमें 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो था इस फोन का ओवरव्यू, अब इसके कुछ अंदर के फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 845 का प्रोसेसर। वाह, 845 का प्रोसेसर मैन, आपको मैं इसके लास्ट में प्राइस बताऊं तो आप भी देख के खुद हैरान हो जाओगे। तो जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर 845 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 6GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर जो आपको सिम स्लॉट मिलेगा वो हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, या तो आप एक बार में 2 सिम या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड इकट्ठा चला सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर बैटरी की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। और दोस्तों अब इसके अंदर आ जाते हैं, मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया दोस्तों, ये तो हर वेरिएंट के अंदर सेम है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर 3 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पहला वेरिएंट है 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग आपको पड़ेगी दोस्तों 21,000 रुपए। दूसरा वेरिएंट आता है 6GB रैम के साथ, लेकिन 128GB स्टोरेज है, जिसकी प्राइसिंग आपको पड़ेगी 24,000 रुपीज। दोस्तों तीसरा जो वेरिएंट आता है वो आता है आपका 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, इसकी प्राइसिंग आपको पड़ेगी 29,000 रुपीज। दोस्तों एक इसका एक आर्मेड करके वर्जन भी है, वो आपको 30,000 रुपीज का पड़ेगा, वो 29 वाले से 1,000 रुपए ज्यादा है, लेकिन फीचर पूरे 29 वाले हैं, 8GB रैम, 256GB के स्टोरेज। लेकिन ये है कि उसका बैक जो है वो आर्मी डिजाइन के हुआ, मतलब थोड़ा मजबूत है, आपको हाथ में अच्छी ग्रिप भी मिलेगी और थोड़ा सा वो ज्यादा ही औरों से मजबूत है। तो दोस्तों इस बार जो शाओमी ने कमाल किया है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा कमाल किया है। ये फोन आपको फ्लिपकार्ट पे और MI के ऑफिशियल साइट पे 29 तारीख की 12 बजे से, सॉरी दोस्तों जरा एक मैसेज आ गया था, कोई नहीं। दोस्तों ये जो शाओमी ने कमाल कर दिया है, ये फोन आपको 29 तारीख से फ्लिपकार्ट की साइट पर और MI की साइट पे 12 बजे से मिल जाएगा। और दोस्तों पहली सेल पे शाओमी ने ये कहा, वो इसके हर वेरिएंट को 1,000 रुपए कम बेचेंगे, यानी कि जो 21 वाला वो 20 में मिलेगा, 24 वाला 23 में, 29 वाला 28 में और 30 वाला 29 में मिलेगा। आपको हर वेरिएंट 1,000 रुपए कम मिलेंगे, और अगर आप इस सेल पे नहीं ले पाए तो अगली सेल में तो आपको वही जो ओरिजिनल प्राइस है वो आपको देना पड़ेगा। तो बस यही है दोस्तों, अब तो यही कहना है कि फीचर बहुत अच्छे हैं, सुनने में तो मजा आ रहा है, बस आप ले लो अब जाके, अगर आपको मिल जाए तो। अगर ब्लैक मार्केट के बिना मिलेगा तो मजा आएगा, वरना फिर ब्लैक मार्केट में और भाई वही जाता है 2-3 हजार ज्यादा, तो फिर वो थोड़ा सा
कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी अगर आप 845 स्नैपड्रैगन देखोगे, रैम देखोगे, स्टोरेज देखोगे, फीचर देखोगे बाकी, तो दोस्तों इसके सामने मुझे नहीं लगता कोई और फोन इस समय है। तो अब आप देख लो आप ही की इच्छा है लेना ना लेना। तो मेरा तो यही कहना है कि काफी अच्छा स्मार्टफोन है, या तो और थोड़े से रिव्यू आन दो हैंड्स ऑन रिव्यू, बाकी उसके बाद फिर आप परचेज करने आने सोच सकते हो। तो बस यार दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में लिखे जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। कुछ अच्छा लगा वो ही बताना, कुछ ना लगा वो भी बता देना। दोस्तों इससे मुझे याद आया, खैर मैं नाम भूल गया, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर वो भाई देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे, उन भाई ने बोला था कि भाई थोड़ा सा और खुल के अपने आपको प्रेजेंट कर। तो भाई मैंने कोशिश करी है, अगर आपको अगर मैं आज कर पाया हूं तो प्लीज भाई नीचे कमेंट करके बता देना। और अगर आपको कुछ और कमी लगती है भाई, उन भाई से भी कह रहा हूँ जिन्होंने पहले किया, तो जिन्होंने नहीं किया उन्हें भी कह रहा हूँ, मुझे भाई अच्छा लगता है कि देखो मैं तो बना देता हूँ, मुझे इतना पता नहीं लग पाता, आप देखने वाला तो भाई आप ही को ज्यादा पता लगता है कि हाँ भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ क्या नहीं। तो अगर आपको कुछ भी लगता है ना भाई ये चीज ने अच्छी करी या फिर बुरी करी, इसे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो प्लीज भाई मुझे कमेंट्स में कर दो ताकि मैं आने वाली वीडियो में उनकी इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मैं आपके लिए ऐसी और बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियोस लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।